हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए कॉमर्स पेपर टू, जिसका कोड 08 है, उसका कंप्लीट सिलेबस यूनिट वाइज करवाया जाएगा। यूनिट वन से लेकर 10 तक आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हमेशा यूजीसी टच करता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे कवरअप करवाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना भी आपका रिटर्न मटेरियल है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब चैनल पे आपको डेली बेसिस पे क्लासेस करवाई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल प्लस टेलीग्राम चैनल दोनों पे अवेलेबल हैं। सो करते हैं आज का सेशन बिगिन। ज़्यादा देर ना करते हुए एक बार सिलेबस देख लेते हैं। हमने अपनी यूनिट वन स्टार्ट की थी बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस की, जिसमें से हम फर्स्ट लाइन हमारी कंप्लीट है, सेकंड भी कंप्लीट है, थर्ड भी कंप्लीट है। हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, बीओपी का भी कर लिया, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी कर लिया, वर्ल्ड बैंक, यूनकैट, अनटैट सब कुछ कर लिया, WTO भी कर लिया था, उसके फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स। जस्ट हमारा जो टॉपिक रह गया वो रह गया एग्रीकल्चर एग्रीमेंट, गैस ट्रिप्स और ट्रिम्स को। इनको आज के सेशन में इनको कंप्लीट कर देंगे। बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए 51 पेज से। मूव ऑन करते हैं हम अपने टॉपिक पे। इट विल बी ये इंडस्ट्री वर्टिकल्स हमने सारे कर लिए थे ऑलरेडी, ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। यहाँ से करना है, ये देखो ये रहा एग्रीकल्चर एग्रीमेंट। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगेन डू सब्सक्राइब लाइक माय चैनल, और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी आज के सेशन की, बाकी सारी भी वहाँ पे पड़ी है। फाइल सेक्शन में जाके आप देख लो, आपको सारी क्लासेस की PDF फ्री में मिलेंगी, आपको कुछ भी 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं एग्रीकल्चर एग्रीमेंट। देखो जो ये एग्रीकल्चर एग्रीमेंट है ना, ये एग्रीमेंट WTO के अंदर आता है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एग्रीमेंट्स आते हैं उनमें आता है सबसे एक एग्रीकल्चर एग्रीमेंट, जिसका एम था इस्टेब्लिश करना फेयर और मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यानी जो आप एग्रीकल्चर में ट्रेड के, यानी एग्रीकल्चर ट्रेड के जो प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो, एक तो वो फेयर होनी चाहिए, यानी सेकंड उसका मेन क्या एम था कि वो मार्केट ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी आप मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस कर पाओ। अब उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे एग्रीकल्चर एग्रीमेंट के? सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चर एग्रीमेंट का, वो ये था कि जो आप एग्रीकल्चर सब्सिडीज दे रहे हो उनको रिड्यूस करो, यानी रिड्यूसिंग एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। देखो जब आप डिसिप्लिन और रिड्यूस करते हो जो आपके डोमेस्टिक एक्सपोर्ट मेजर्स है, आप अपनी एक्सपोर्ट सब्सिडीज को रिड्यूस करो, आप उन जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करते हैं, यानी ट्रेड को खराब कर रही है, उनको रिड्यूस करो, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव था। इन शॉर्ट आप अपने डोमेस्टिक जो सपोर्ट दे रहे हो एग्रीकल्चर सेक्टर्स को, उसको थोड़ा रिड्यूस कर दो, उनको इतना कॉम्पिटिटिव बनने दो कि वो खुद अपने आप ग्लोबल मार्केट तक पहुंचे और अपनी मार्केट का एक्सेस इंप्रूव कर पाए। नेक्स्ट जो मेन था, आप अपने मार्केट एक्सेस को इम्प्रूव करो, यानी इम्प्रूविंग मार्केट एक्सेस। इससे क्या, इसमें क्या मेन रखा गया था कि जो आपका मार्केट एक्सेस है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मिल रहा है उसको इन्हेंस किया जा सके। अब इन्हेंस कैसे होगा, आप जो टैरिफ रिडक्शंस हैं थ्रू टैरिफ रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर, सिंपल बात वो कह रहे हैं, जितने भी आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके मार्केट एक्सेस को इन्हेंस करना चाहिए, वो बढ़ाना चाहिए। आप ये कैसे चीज़ पॉसिबल हो गई, जब आप टैरिफ को रिड्यूस कर दोगे या आपके जितने भी नॉन टैरिफ बैरियर एप्लीकेबल उनको एलिमिनेट करो। नेक्स्ट जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो था स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। अब जो एग्रीकल्चर एग्रीमेंट था ये अलाउ करता था कि डेवलपिंग कंट्रीज को कि वो इम्पोज कर पाए कुछ इम्पोर्ट रिजिक्शन टेम्प्रेरी बेसिस पे इन केसेस ऑफ इम्पोर्ट सर्जेस और प्राइस डिप्रेसिंग। यानी उन्होंने साथ में दो चीज़ें बड़ी अच्छे से क्लैरिफाई की। वो ये कह रहे थे आप ये जो एग्रीकल्चर एग्रीमेंट था जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको अलाउ करता, वो टेम्प्रेरी यानी कुछ टाइम के लिए इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं। करना कब है, जब कोई उनको ऐसा केस दिखे यानी कि जब वो उनके इम्पोर्ट्स बढ़ रहे हो यानी वो सर्ज हो रहे हो या प्राइस डिप्रेशन हो, तब इन दो सिचुएशंस में आप टेम्प्रेरी तौर पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो अपने इंपोर्ट पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के। नेक्स्ट था एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। देखो डिसिप्लिन एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस एंड इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन देयर एप्लीकेशन, इसका मेन एग्रीकल्चर ऑब्जेक्टिव का काम, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये था
कि आपके जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस है वो एक डिसिप्लिन वे में होने चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड वे में होने चाहिए, यानी उसका आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, आपको उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और आप इनकी एप्लीकेशन में ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, यानी किसी भी तरीके से जो आप एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हो वो अनफेयर नहीं होनी चाहिए, वो फेयर ट्रांसपेरेंट हो, वो हर बंदे को फायदा दे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं, वो था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, जिसे हम गैट्स के नाम से जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। पहले गुड्स का था, अब हम सर्विसेज का कर रहे हैं। देखो जो गैट्स था ना, यानी एक WTO का एग्रीमेंट था, जिसका मेन एम था ट्रेड जो सर्विसेज में किया जा रहा है उसको लिबरलाइज किया जा सके, जैसे बैंकिंग होगी सर्विसेज। अब सर्विसेज कैसी कैसी हो सकती है? बैंकिंग हो गया, टेलीकम्युनिकेशंस हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, या टूरिज्म हो गया। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे गैट के, जो इनकी उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अगेन था मार्केट एक्सेस को इंक्रीज करना। देखो जो गैट्स था ना, इसका मेन काम था प्रमोट करना बैरियर्स को रिमूवल में, यानी आपके जो फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको जो बैरियर्स फेस करने के पड़े उसके रिमूवल को प्रमोट करो, यानी इन शॉर्ट आप बैरियर्स को रिमूव करो, जिससे क्या होगा, जिससे आपको एक्सेस मिलेगा, आप अलाउ करेंगे न्यू मार्केट्स के एक्सेस को। नेक्स्ट था नेशनल ट्रीटमेंट, इसमें क्या था, आप इंश्योर कर रहे हो कि फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको आप ट्रीट, जो आपके फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको आप लेस फेवरेबली ट्रीट करोगे एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स। इसी कारण अगर आप उनको लेस फेवरेबल ट्रीटमेंट दोगे तभी आपके जो अपने डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है वो कॉम्पिटेंट बन पाएंगे। लास्ट जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव था वो था प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन का, यानी जितनी भी आपकी ऑनगोइंग नेगोशिएशंस हैं आप उनको इनकरेज करोगे ताजो आप एक्सपेंड कर पाओ अपनी कवरेज को, और जितने भी आपके सर्विसेज का ट्रेड हो रहा उनको आप लिबरलाइज कर पाओ। ओके, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं, वो था हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी ट्रिप्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पेपर में पूछा गया ट्रिप्स और ट्रिम्स का, दोनों टॉपिक इकट्ठे करेंगे। सबसे पहले तो ट्रिप्स कर रहे हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, ये एग्रीमेंट है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। देखो जो ट्रिप्स है ना, ये भी एक WTO का एग्रीमेंट है जो सेट करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अब ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैसे हो सकती हैं, आपके कॉपीराइट्स हो गए, आपके ट्रेडमार्क्स हो गए, आपके पेटेंट्स हो गए, आपके ट्रेड सीक्रेट्स वगैरह वगैरह। अब जो ट्रिप्स के ऑब्जेक्टिव थे वो ये थे, सबसे पहला तो ये ऑब्जेक्टिव था कि आप मिनिमम स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करो, यानी इससे क्या होगा, इससे इंश्योर हो पाएगा कि एडुकेट प्रोटेक्शन दी जा रही है और इन्फोर्समेंट में लाई जा रही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अक्रॉस मेंबर कंट्रीज। जितने भी एग्रीमेंट की मेंबर कंट्रीज हैं उनको एडुकेट प्रोटेक्शन और इन्फोर्समेंट प्रोवाइड की जा रही है उनकी IPR के रिलेटेड। सेकेंड था टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर, यानी ट्रिप्स का जो एग्रीमेंट था ये प्रमोट करता था कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है डेवलपिंग कंट्रीज में किया जाना चाहिए ताजो उनको सपोर्ट मिल सके उनकी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में। ओके, नेक्स्ट था बैलेंसिंग राइट्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट। इसका मेन एक एम ये भी था कि बैलेंस स्ट्राइक किया जाना चाहिए IPR की प्रोटेक्शन में, और जो आपके मेंबर कंट्रीज हैं उनको भी अलाउ किया जाना चाहिए कि वो मेजर्स ले सके पब्लिक हेल्थ को सेफगार्ड करने के लिए, उनके पास मेडिसिन का एक्सेस हो और जितनी भी पब्लिक इंटरेस्ट में चीज़ें हैं उनके लिए भी पॉसिबल हो। सो इन दो चीज़ों में बैलेंस को स्ट्राइक करना ट्रिप्स का एक मेन ऑब्जेक्टिव था। अगर मैं सिंपल वे में एक बार आपको रीकैप दूं तो जो ट्रिप्स हैं ये ऐसा एग्रीमेंट है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इंटरनेशनल लेवल पे। ये एक तरीके की मोनोपोली पावर ग्रांट करता है जो ओनर्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। सो इन शॉर्ट एक मैचिंग का क्वेश्चन आया था वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर दिया, उन्होंने कहा था आप ट्रिप्स को रिलेट करो। सो आप ट्रिप्स को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो कि ये प्रोवाइड करेगा मोनोपोली पावर्स जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं उनको। लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसी होगी, ट्रेडमार्क्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, या ट्रेड सीक्रेट्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा जो एग्रीमेंट आता है वो आता है ट्रिम्स का। अब ये था इसकी फुल फॉर्म क्या थी, ये था एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। जो पिछला था वो था ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी ट्रिप्स।
इसीलिए यानी IPSUs पीछे हुआ था। अब ये है IMS यानी इन्वेस्टमेंट मेजर्स का। सो ट्रिम्स भी एक तरीके यानी जो ट्रिम्स था ये भी एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीमेंट था। अब इसका मेन एम डिफरेंट था ट्रिप्स के कंपैरिजन में। इसका एम ये था कि जो आपके ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं उनको रेगुलेट किया जा सके, जो आपका गुड्स में ट्रेड कर रहे हो यानी जो ट्रेड हो रहा है गुड्स में वो उसको अफेक्ट करेंगी। ओके सो जो ट्रिम्स के मेन ऑब्जेक्टिव है उसमें सबसे पहला ये था कि प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यानी आप कुछ सर्टेन ऐसी मेजर्स हैं ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की उनको प्रोहिबिट करना। यानी इन शॉर्ट ये कहता था कि आप डिसिप्लिन करो इन्वेस्टमेंट मेजर को जो इनकंसिस्टेंट हैं विद नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल्स एंड जो आपके ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं। यानी इन शॉर्ट जो मेजर्स आपके लिए नहीं एप्लीकेबल, जो ट्रेड को खराब कर रही हैं या जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल्स के साथ इनकंसिस्टेंट है यानी वो डिस्क्रिमिनेटरी बन रही है किसी ना किसी वे में, सो उनको प्रोहिबिट करना पड़ेगा। सेकंड था ट्रांसपेरेंसी एंड फेयर ट्रीटमेंट। जो ट्रिम्स का एग्रीमेंट था ये इस चीज़ को क्लैरिफाई करता था कि आप ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करो इन्वेस्टमेंट मेजर में और आप फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो फॉरेन इन्वेस्टर्स को। और सो जो ये एग्रीमेंट थे और ये WTO के फंक्शन के साथ कलेक्टिवली वर्क करते थे। किसके लिए ये कलेक्टिवली वर्क करते थे? ये कलेक्टिवली वर्क करते कि ताजो जो आपका ग्लोबल ट्रेड होगा उसे अच्छे से फैसिलिटेट किया जा सके, जितने आपके ट्रेड बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सके, आप एक तरीके से फेयर कंपटीशन को प्रमोट करो, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और जो इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं उनको यूज़ करके आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो। इन शॉर्ट जो ट्रिम्स था ये बेसिकली सिंपल वे में रूल्स और रेगुलेशंस थे जो किसके साथ रिलेटेड थे कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो मेंबर कंट्रीज कर रही हैं उनको आप कैसा ट्रीटमेंट दे रहे हो। इसका एम यही था कि आप लिबरलाइज करो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को। सो अगर इसका भी आपको मैचिंग क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको मैच कर सकते हो कि ट्रिम्स डायरेक्टली लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेटेड था। ओके नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं COP 27 और एक्शन प्लान, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 में और एक्शन प्लान और क्या था वो। देखो इसमें एक थी मिटिगेशन, ये भी मैचिंग का क्वेश्चन आया था, मैंने इसको फ्रेम कर दिया। जो मिटिगेशन था उसका ये था कि आप जो आप अनअबेटेड कोल पावर है उसको फेस डाउन करो, यानी फेस डाउन अनअबेटेड कोल पावर। सेकंड था कैपिटलाइज, आप लॉस और डैमेज फंड को क्रिएट करो। टेक्नोलॉजी में क्या था, प्रमोट करो क्लाइमेट नो हाउ सॉल्यूशंस, यानी आप टेक्नोलॉजी को यूज करके क्लाइमेट के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करो। लास्ट इसमें था कैपेसिटी बिल्डिंग का, आप इम्पावर करो सारे स्टेक होल्डर्स को कि वो क्लाइमेट एक्शंस में इंगेज कर पाए। ओके इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम या आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैंशन कर दो, मैं आपका डाउट 101% श्योर है कि उसको क्लियर कर दूंगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको आज के सेशन के और जितने भी पिछले सेशन था, 9 सेशन है, आज के सेशन में हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। पेपर 2 जिनका कॉमर्स है उसके कुछ ही टाइम में हम पेपर 1 को भी स्टार्ट करेंगे, उसकी भी फ्री क्लासेस कंडक्ट करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है ये बड़ा अलग सा हटके टॉपिक है, पेपर में बहुत बार पूछा गया, सो इसको ध्यान से समझना। देखो जो पहले तो ये लाइन समझो, दी कोलैप्स ऑफ ईस्टर्न यूरोप इन 1989 एंड द USSR इन 1991 लेड टू द एमर्जेंस ऑफ ट्रांजिस्टरी इकोनॉमीज। देखो जब आपका जो ईस्टर्न यूरोप था जब वो 1989 में कोलैप्स हुआ और जो आपका USSR था वो 1991 में कोलैप्स हुआ, इन दोनों के कोलैप्स के कारण क्या हुआ, जो आपकी ट्रांजिटरी इकोनॉमिक्स है उनकी एमर्जेंस हुई, वो डेवलप हुई। डिटेल में चलते हैं इसकी। देखो 1989 में ना कुछ ऐसे इवेंट्स हुए लगातार सीरीज में हुए, जो ये हुए कहाँ पे थे, ये ईस्टर्न यूरोप में हुए, जिसके कारण क्या हुआ, जो आपका कम्युनिस्ट रिजाइम था वो कोलैप्स हो गया और जो आपका सोवियत लेड सिस्टम था ना वो डिसमेंटल हो गया। इस पीरियड को ना कॉमनली फॉल ऑफ कम्युनिज्म के नाम से जाना जाता है और रेवोल्यूशन ऑफ 1989 के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब जो कंट्रीज इस टाइम पे थी जो वो थी, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, ईस्ट जर्मनी हो गया, रोमेनिया हो गया, बल्गेरिया हो गया, जो जिनमें एक तरीके से सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन आई, वो ट्रांजिशनिंग में चली गई सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज से मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमीज में। यानी इस फेज के दौरान उनमें ऐसी ट्रांजिशन आई जैसे कि वो पहले सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से अब वो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमीज बन गई। देखो डिसोल्यूशन जब सोवियत यूनियन की 1991 में
अकर हो गई थी। तो जब जो सोवियत यूनियन था वो फेडरेशन थी मल्टीपल रिपब्लिक्स की, जिसने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस इस टाइम पीरियड पे फेस किए थे, जिससे इवेंचुअली क्या हुआ, उसकी डिसइंटेग्रेशन होनी स्टार्ट हो गई। देखो कोलैप्स जब सोवियत यूनियन का, उसने क्या किया, दैट वॉज अ मार्क ऑफ एंड ऑफ कोल्ड वॉर एरा। यानी सोवियत यूनियन का कोलैप्स, यानी सोवियत यूनियन का कोलैप्स एक चीज़ ये हाईलाइट करता है कि जो कोल्ड वॉर एरा था वो एंड हो गया था, और जो आपकी नेशन इंडिपेंडेंट नेशन थी उस रीजन में उनके एमर्जेंस स्टार्ट हो गई थी। इस इनको जो ये मोन्यूमेंटल इवेंट्स हुए थे, अगर हम इनको फॉलो करें तो जो आपकी ईस्टर्न यूरोप की इकोनॉमीज थी और जो आपका फॉरवर्ड सोवियत यूनियन था, वो एक ट्रांजिशन के पीरियड्स के थ्रू गुजरा। यानी वो सेंट्रली प्लान इकोनॉमिक सिस्टम से एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया। अब इन इकोनॉमिक्स जब ये ट्रांजिशन हुई सेंट्रली प्लान से जब मार्केट बेस्ड इकोनॉमीज में ट्रांजिशन हुई, इन इकोनॉमिक्स को हम ट्रांजिशन इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं या ट्रांजिटरी इकोनॉमिक्स के नाम से इन्हें हम जानते हैं। देखो जो ट्रांजिशन थी ना, इसमें क्या हुआ, इसमें आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया गया, जितने भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों को लिबरलाइज किया गया, और जो आपके मार्केट इंस्टीट्यूशन थे अलग अलग टाइप के उनको इस्टेब्लिश किया गया। ओके नेक्स्ट, जो आपका ईस्टर्न यूरोप का कोलैप्स हुआ था 1989 में और यूएसएसआर का 1991 में, ये एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट बन गया वर्ल्ड की हिस्ट्री में, जिसने आपकी ट्रांजिटरी इकोनॉमीज जो बन गया उनकी इमरजेंस को लीड किया था, और जो ये कंट्रीज है इन्होंने एक पाथ को इम्बार्क कर दिया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के। 1991 से लेकर इंडिया ने भी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया है, जैसे उन्होंने अपनी इंडस्ट्री पॉलिसीज को लिबरलाइज कर दिया, अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन के लिए ओपन अप कर दिया, मार्केट फोर्सेस को अलाउ हो गए हो। देखो कुछ हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलपमेंट जो 1991 से इंडिया में हो रही है उनके कुछ सीलियंट फीचर्स है, अब उनको स्टडी करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारा इंडिया का प्राइवेट सेक्टर था वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो गया, यानी जो प्राइवेट सेक्टर का स्कोप था वो सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड हुआ, जिससे क्या हुआ, जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं उन्होंने एक सब्सटेंशियल रोल प्ले किया हर टाइप की इंडस्ट्री में। सेकंड जो इसका मेन फीचर था कि पार्शियल और फुल विड्रॉल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसने अपने आप को, यानी जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट अपने डिफरेंट इंडस्ट्री में उसको डाइवेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जो ओनरशिप और कंट्रोल गवर्नमेंट का था सेवरल एंटरप्राइज, यानी इन सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने डी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी जो उनकी स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइजेस थी या जिनमें उनका ओनरशिप थी। इससे क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर है उसकी रिडक्शन होनी स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट जो मेन फीचर था कि इंक्रीज एक्सपोजर टू फॉरेन कंपटीशन, जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो ज़्यादा ओपन हो गई थी अब फॉरेन कंपटीशन के लिए, जिससे क्या हुआ, फॉरेन कंपनीज ने स्टार्ट कर दिया ऑपरेट करना डिफरेंट सेक्टर्स में, और इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बड़ी प्रमोशन मिली। सो ये तो कुछ ऐसे मेन सेलियंट फीचर्स थे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 1991 से इंडिया से लेके। अब नेक्स्ट एक मैंने इटैलिक में लाइन किया बोल्ड रैली में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। देखो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की थी वो प्रॉम्प्टेड किसके द्वारा थी, बाय अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जो इसकी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर, यानी जो आपकी 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, मेन इसमें ये था कि ये जो प्रॉम्प्ट हुई थी ये हुई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अडॉप्शन हुई, और जो आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग है उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी, और आपके पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल थे इन्वेस्टमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर में। अब जो ये तीन डेवलपमेंट से ये इन्फ्लुएंस हुई थी फॉर्मुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के थ्रू। नेक्स्ट हमारा आता है एक हटके सा टॉपिक है, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स इन दी कंट्री। अब ये सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स इन दी कंट्री, ये एक तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है जिनका एम क्या था, यानी वो एलपीजी इनका एम था, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब जो ये रिफॉर्म्स थे इनका मेन फोकस था इकोनॉमिक ग्रोथ पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए, जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है यानी आप बिजनेसेस कर रहे हो उसको आप प्रमोट करो, आप अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो, और जितने भी आपके पास नॉलेज बेस्ड ग्लोबल इकोनॉमी आप उसको एक्सप्लॉइट करो, यानी आप अपने ग्लोबलाइजेशन पे आके आपको जितनी फॉरेन में इकोनॉमीज है जिनके पास अच्छी नॉलेज है उनको एक्सप्लॉइट करो, उनके मार्केट्स को आप जो आपको एक्सेस मिल जाए सके उनसे भी नॉलेज का। नेक्स्ट क्या है, देखो क्लीन इन्वायरमेंट,
पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स और इंडियन ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन की ग्रोइंग, ये एक पार्ट जरूर थे ब्रॉडर डेवलपमेंट गोल्स का, बट ये स्पेसिफिकली कंसीडर नहीं किए गए आपके सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स के एज अ कंपोनेंट। यानी जो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स है वो मैंने आपको एलपीजी के नाम पे बता दिए, बट इनमें अगर आपको कोई पूछ ले कि जैसे इन्वायरमेंट को क्लीन करना, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना, या आप अपनी जो इंडियन ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन है उनकी ग्रोथ को स्टडी करते हो, ये चीज़ें ब्रॉडर डेवलपमेंट गोल्स का जरूर हिस्सा थी, बट ये सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स में डायरेक्टली उसके कंपोनेंट्स नहीं थे। ओके, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं ट्रिम्स और ट्रिप्स प्रोविजंस फैसिलिटेट एंड प्रमोट एफटीआई। ऑब्वियस बात है ये दोनों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट्स थे, सो ये आपकी जो एफटीआई है उसको डैम्प श्योर है ये फैसिलिटेट भी करेंगे प्रमोट भी करेंगे। अब जो ये स्टेटमेंट थे ना ये बिल्कुल करेक्ट थे, ये हाईलाइट कर रहे थे रोल्स ट्रिम्स और ट्रिप्स का। ट्रिम्स आपको बताइए जो आपके ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं, ट्रिप्स यानी जो आपके ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के। अब ये प्रोविजंस हेल्प करती थी प्रमोट करने में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। ओके, अब उन्होंने इसका ना एक रीजन दिया था, वो भी समझो। उन्होंने क्या कहा था, जो ट्रिम्स एंड ट्रिप्स है ना प्रोविजंस है, दीस रिमूव रिस्ट्रिक्शंस एंड एड्रेस कैपिटल फ्लोस। अब जो ये रीजन दिया गया था पेपर में, उन्होंने पूछा ये करेक्ट है या नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली ये भी करेक्ट था, क्योंकि जो ये है ये एक्सप्लेन करता है कि ट्रिम्स और ट्रिप्स के जो प्रोविजन है वो फैसिलिटेट कर रही है और एफटीआई को प्रमोट कर रही है, जबकि जो ये प्रोविजन है ये सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस को एड्रेस भी करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एड्रेस करेंगे, और इनका जो प्राइमरी पर्पस है ना वो कैपिटल फ्लो के साथ ही रिलेटेड है, जो बेटर है यानी बट रैदर टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। मतलब कहने का क्या है, देखो जो इसका प्राइमरी पर्पस है इन शॉर्ट वो कैपिटल फ्लो के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का तो नाम है, ट्रेड हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो पैसा तो आना ही आना है, यानी कैपिटल फ्लोस तो होगा ही होगा, सो वो उसका एक प्राइमरी मोटिव बन गया था। ओके, नेक्स्ट हमारा एक और यूनिक टॉपिक है जो पेपर में बहुत बार पूछा गया, वो है BRI का, जिसे हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से भी जानते हैं। देखो ये एक तरीके की ना डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी थी जिसे प्रपोज किया था चाइनीज गवर्नमेंट में, जिसका एम क्या था, इन्हेंस किया जाए आपकी कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन को बिटवीन कंट्रीज। अब ये कंट्रीज कौन सी थी, एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड बियॉन्ड। इसका मेन फोकस था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, जितनी भी आप ट्रेड कर रहे हो उसको अच्छी फैसिलिटेशन की जाए, आप इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बूस्ट करो अपनी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में। ओके, क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और उनके मेन हेडक्वार्टर्स और ऑफिस स्टडी करने देखें। देखो जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जो आपका IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसका मेन हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका US में है। FAO जिसे हम फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं यानी वो रोम इटली में है। EU यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर। सो आप इसके नाम इनफ है आपके लिए, आप इनको ही स्टडी करो, बस इससे ज़्यादा वो डीप नहीं जाएंगे, मैंने आपको इन डेप्थ करवा दिया जितना आपको पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, अब इंटरनेशनल लिक्विडिटी की एक चीज़ आ गई है। देखो जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी है उसमें इंटरनेशनल रिजर्व्स विच आर एसल हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक आएंगी, यानी इंटरनेशनल लिक्विडिटी इंटरनेशनल रिजर्व्स को इंक्लूड करेगी अपने आप में, जो एक तरीके से एसेट्स होते हैं जिनको सेंट्रल बैंक हेल्ड करती है। अब जो आपके ये जो लाइन्स हैं इनको आप ध्यान से समझो, जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी है ना इसमें डिफरेंट टाइप्स की गोल्ड की होल्डिंग्स यानी ऑफिशियल होल्डिंग्स क्या, गोल्ड की फॉरेन एक्सचेंज क्या है हमारे पास वो आ जाए, उसकी होल्डिंग्स हो गई, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हो गए, SCRs हो गए, और रिजर्व पोजीशंस आ जाएंगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो अवेलेबल है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को, यानी इन अब जो ये होंगी ना तीन चीज़ें ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में होंगी जो आपके पास अवेलेबल है अपनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को सेटल डाउन करने के लिए। अब इंटरनेशनल लिक्विडिटी सिंपल वे में इंक्लूड करेगी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व्स और आपके जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके बोरोइंग कैपेसिटी को। अब जो ये कंपोनेंट्स हैं ये कंट्रीब्यूट करेंगे ओवरऑल लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में, यानी जितने आपके पास आपके कैपेबिलिटी होगी पेमेंट देने की उतनी ओवरऑल लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी होगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं, लास्ट टॉपिक है आज का। आज का सेशन कुछ छोटा रहेगा क्योंकि हमारा बहुत कम सिलेबस रह गया था यूनिट 1 का, सो नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। देखो ध्यान से समझो,
the main government agency responsible for development and monitoring international trade in India is the Department of Commerce. यानी इंडिया में जो मेन गवर्नमेंट एजेंसी है जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड की डेवलपमेंट को और ट्रेड को जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसको मॉनिटर करती है उसे हम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के नाम से जानते हैं। इसको आप याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब ऐसे कुछ हॉट टर्म्स करेंगे। देखो, एक ऐसी इकोनॉमी जिसकी जो करेक्टर साइज है स्मॉल रीजनल सप्लायर्स से जो अपने गुड्स को सेल करते हैं लोकल बेसिस को, उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, जब स्टैंडर्डाइज्ड ब्रांडेड गुड्स सेल किए जाते हैं नेशनल लेवल पे, यानी आप अपने स्टैंडर्डाइज्ड और ब्रांडेड गुड्स को सेल कर रहे हो नेशनल लेवल पे, उसे मास मार्केटिंग कहा जाता है। इनको बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग में बिठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। नेक्स्ट आता है, एक ऐसा एरा मार्केट डिफ्रेंसिएशन था जो किस पे बेस्ड था, डेमोग्राफिक, सोशो इकोनॉमिक या लाइफस्टाइल फैक्टर, यानी ये मार्केट सेगमेंटेशन यानी सिंपल सेगमेंटेशन होगी, ओके। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होगी, किसमें, स्पेशली जो आपका डिजिटल कम्युनिकेशन का एरिया था उसमें, जो मार्केटर्स को अलाउ कर रहा था कम्युनिकेट करने के लिए इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के साथ और ये छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ, उसे हम हाइपर सेगमेंटेशन कहते हैं। आपने ये सुना भी नहीं होगा कि ये बट ये पेपर में आए हैं। यानी हाइपर सेगमेंटेशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। सो यहाँ पे हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। एक